गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे का द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द आइडियल गैस इक्वेशन। इन द प्रीवियस लेक्चर बच्चों हमने चार तरह के टॉपिक किए थे, लॉस किए थे, उसके बेसिस पे अब हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन के लिए द थ्री लॉस विच कैन लर्न द टील, मतलब हमने जो पीछे पढ़ा है हमने क्या करना है, उनको कंबाइन करना है टुगेदर, ठीक है। और टुगेदर जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले बेटा जो अपने पीछे पड़ा है वो सारे लिख दो। कांस्टेंट टी पे क्या होता है, वी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी होता है, ये बॉयल्स लॉ कहता है। कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर देखो, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन प्रेशर के, ठीक है। एट ए कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, चार्ल्स लॉ कहता है। और एट ए कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये हमने पढ़ लिया था कल, ठीक है। ओके, अब देखो चार्ल्स लॉ, आप चार्ल्स लॉ का जो बेटा लास्ट में आपका आंसर आएगा ये आएगा, आपको ये याद रखना है, ये आपका लास्ट आंसर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दो बच्चों, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन p, v इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l, हमने क्या करना है, तीनों को कंबाइन करना है। जब आप तीनों कंबाइन करोगे तो ऐसे आ जाएगा n t, ये देखो तीनों कंबाइन कर लिया, क्योंकि v के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये तीनों टर्म है, तो आपने तीनों कंबाइन के लिए ये आ गया, क्लियर है। ये कैसे आया आपको, क्लियर हो गया ना। फिर हमने क्या करना है बेटा, आर को इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर, आर क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब आपने ये लिख दिया, इसके बाद आप क्या करोगे, याद रखना आइडियल गैस इक्वेशन के लिए एक, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जो हम यूज करते हैं आर, और इसके बाद एक इक्वेशन होता है इसका ऑलवेज, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। इसमें क्या होता है, ये P को हम इधर ले जाएंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये आपका हो गया आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसमें सब R की, इसमें सब कुछ भी निकाल सकते हो, तो R निकाल लो, N निकाल लो, T निकाल लो, P निकाल लो, V निकाल लो। R और जो इसमें R होता है पर्सनैलिटी कांस्टेंट है, उसे गैस कांस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। इफ इट इज सेम फॉर द ऑल गैसेस, याद रखना सभी गैसेस के लिए सेम होता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं या आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस टर्म को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ये फर्दर यूज होगा हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है, आइडियल गैस इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द फोर वेरिएबल्स, इट डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ एनी गैसेस, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन हमें बताता है रिलेशन बिटवीन फोर वेरिएबल, और ये बताता है स्टेट्स ऑफ किसी गैस, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। अब मान लो कि फोर वेरिएबल की बात करें तो आपने क्या करना, लेट अस कंसीडर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द फोर वेरिएबल, ठीक है, सबसे पहले आप ये लिख के ये निकालोगे, फोर लिखोगे फॉर द फोर वेरिएबल, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आंसर देना है, फिर लिखना फॉर द फोर वेरिएबल, लेट अस गो बैक टू द आइडियल गैस इक्वेशन, फिर आप लिखोगे दिस इज द रिलेशन फॉर द साइमल्टेनियसली वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल टर्म का एक बेटा याद रखना, एक होता है कॉन्स्टेंट टर्म, एक होता है वेरिएबल टर्म। जैसे आपको याद हो कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो जाए, ठीक है। इफ द टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर इज फिक्स एंड अमाउंट ऑफ गैस वेरी, इसमें क्या करना है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फिक्स रखना है और अमाउंट ऑफ गैस को वेरी करना है। टी वन टेम्परेचर है, वी वन वॉल्यूम है, ठीक है, पी वन प्रेशर है, टी टू टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसमें देखो टी वन वी वन पी वन, अब आप इसको ऐसे कर लो टी वन टी टू, अच्छा अच्छा यहाँ ऐसे बेटा टेम्परेचर टी वन वॉल्यूम वी वन प्रेशर पी वन से, ये मान लो इनिशियल है, ये मान लो स्टार्टिंग वाला चीज है। फिर क्या हुआ, जब चेंज आना शुरू हुआ, मान लो हमने थोड़ा चेंजेस किया, तो टेम्परेचर चेंज हुआ टी टू में, वॉल्यूम चेंज हुआ वी टू में, और प्रेशर चेंज हुआ वी टू पी टू में। अब मान लो कि मैंने क्या किया, पहले टेम्परेचर टी वन था, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बार बार इस लाइन पे जोर दिया था, जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा, मोशन ऑफ मतलब कि गैसेस मॉलिक्यूल तेज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। मतलब क्या करना, पहले अगर टी वन वी वन पी वन है तो फिर टी टू वी टू पी टू लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू हम पीछे का हिसाब कैसे लिखेंगे, पी वन वी वन अपॉन टी वन, ये देखो पी वन वी वन अपॉन टी वन, बस यहाँ पे, और ये n को इधर भेज दो, ठीक है, इक्वल टू nr, क्लियर है ये, ठीक है। सेम
क्लियर है ये। फिर क्या करना है, इनको डिवाइड कर दो, P1 ये एक तरफ डिवाइड नहीं मतलब बेटा इसको इक्वेट करेंगे, जब इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो ये कट जाएगा और P1 इक्वल टू P2, P1 V1, P2 V2, एक के नीचे T1 आ जाएगा, एक के नीचे T2 आ जाएगा, P1 V1 इक्वल टू T1, P2 V2 इक्वल T2, ठीक है, ओके बेटा क्लियर। अब इसको आप इक्वेट कैसे किया, मतलब NR देखो, NR में एक बारी NR के बराबर ये, एक बारी NR के बराबर ये है, यानी कि मतलब किसी भी एक तरफ एक को पुट कर दो, ठीक है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन 5.19, ये वाला जो इक्वेशन है बेटा, इट वेरी यूजफुल इक्वेशन है, ठीक है, और इसे इस इक्वेशन को बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है, क्लियर है आपको ये वाला स्टेप। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट करना है, ये नहीं करना है आपने, इसके बाद जो आपने नेक्स्ट करना है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर करना है, ठीक है, पहले डेफिनेशन करना है, इट स्टेट दैट, ये क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, एग्जांपल के लिए आप नाइट्रोजन ले सकते हो, मतलब अपने फॉर योर नॉलेज मैं बता रहा हूँ नाइट्रोजन या नोवल गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को ये चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल ही अलग है आपके पीछे वाले सभी चैप्टरों से, ठीक है, बिकॉज ये फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ शुरू हो जाता है, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है बाकियों से, आपको अगर ये स्टार्टिंग आप समझ गए ना, ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, एक जैसे चीजें आगे आगे ड्राइव होता जा रहा है, बस आपको स्टार्टिंग की चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर कितना, मतलब कि टोटल प्रेशर, ठीक है, आप ऐसे समझोगे नॉन रिएक्टिव गैस जो है कितना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, मतलब ये दोबारा देखो, द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है, मतलब टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस वो बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस के, ठीक है। इसके बाद देख लो, इफ देयर वर इन क्लोज सेपरेटली, अब ये देखो, द प्रेशर विच दीज गैसेज विल एग्जर्ट इफ दे वर इन क्लोज सेपरेटली इन द सेम वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, इन देखो बेटा ये रहने दो, वैसे समझना समझ लो क्या बोल रहा है कि द प्रेशर विच दीज गैसेस एग्जर्ट, मतलब ये जो गैसेस है जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, कब, जब ये इनक्लोज्ड है मतलब पैक है किसके अंदर, सेपरेटली इन द सेम वॉल्यूम और अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, अब समझ गए। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, मेन इस लाइन पे फोकस दो, इन ए मिक्सचर ऑफ गैस, जब हम मिक्सचर ऑफ गैस की बात करें तब क्या हो रहा है, द प्रेशर एग्जर्ट बाय इंडिविजुअल गैस, जब मिक्सचर ऑफ गैस मतलब काफी सारे गैस मिक्स है बट वो इनर्ट है, याद रखना वो रिएक्ट नहीं करते किसी से, ये नहीं कि वो आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दे फिर तो काम खराब हो जाएगा, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, द प्रेशर एग्जर्ट बाय इंडिविजुअल गैस, जब मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो प्रेशर एग्जर्ट करे इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल गैस, वो उसे बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर, द इन ए मिक्सचर ऑफ गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है एक इंडिविजुअल गैस उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, याद रखना पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पी टोटल लिखते हैं, P1 P2 P3, ठीक है, इसमें टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर, ना टेम्परेचर बढ़ाओगे ना वॉल्यूम बढ़ाओगे तभी ये, क्योंकि देखो टेम्परेचर या वॉल्यूम कुछ भी बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा तो फिर तो निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है, वेयर पी टोटल क्या है, टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस, और पी वन पी टू ये सब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है, गैस आर जनरली कलेक्टेड ओवर ए वाटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, जो गैसेस आर जनरली किस में कलेक्ट करते हैं, वाटर के अंदर, जैसे एग्जाम्पल वो कई सारे गैसेस वाटर के अंदर कंप्रेस करके मतलब कलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, हम क्या करें, अगर आप प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा वेपर प्रेशर ऑफ गैस को किसमें से, टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, मान लो अब देखो ये वही बात होगी, आपके पास 500 रुपीज़ है बट उस 500 रुपीज़ में आपके सिर्फ कितने 200 रुपीज़ और 300 रुपीज़ आपके भाई के, ठीक है, मतलब क्या है कि मोस्ट गैस का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर है, ठीक है, पर आपने क्या निकालना है, ड्राई गैस का निकालना है, आप क्या करोगे टोटल में से ड्राई गैस का माइनस कर दोगे, आपके पास जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है, प्रेशर एग्जिट बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर कार्ड एक्वस टेंशन,
ठीक है, जो प्रेशर एग्जर्ट करता है सैचुरेटेड वाटर उसे बोलते हैं एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन ऑफ वाटर डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, याद रखना टेम्परेचर चेंज करोगे तो एक्वस टेंशन भी बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ड्राई, अब ये देखो जो मैंने समझाया था, ड्राई गैस का निकालना है, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन निकाल दोगे ड्राई गैस का निकल जाएगा। क्लियर है आपको यहां तक? ठीक है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सपोज करना है, सपोज एट द टेम्परेचर T1 है, थ्री गैसेस इनक्लोज्ड इन अ वॉल्यूम V, ठीक है, टेम्परेचर T है, तीन गैसेस है, ठीक है, वो एक वॉल्यूम एक कंटेनर के अंदर पड़ा जिसका वॉल्यूम V है, एग्जैक्ट वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है P1, P2, P3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पीछे वाले PV इक्वल टू NRT वाला जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन हमने में ये पुट कर दिया, P1 N1 RT अपॉन V, ठीक है। एक बारी P1 के लिए सेम पुट करोगे, एक बारी P2 के लिए सेम, एक बारी P3, ठीक है। क्लियर आपको? N1 N2 N3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गैसेस, ठीक है। सेम एक बारी सेम सब कुछ पुट करना, एक बार P1 फिर P2 फिर P3, फिर बस जहां 3 पुट करोगे वहां NB3 कर पुट करोगे सब, फिर तीनों को प्लस कर दो। जब तीनों को प्लस करोगे क्या आएगा, ये देखो N1 N2 N3 तीनों को प्लस करोगे तो इसमें से ये कॉमन निकल जाएंगे, तीनों में से ये कॉमन निकाल लो, इसको ऐसे लिख दो, फिर क्या करोगे डिवाइड करोगे। अब देखो बेटा जिसको आप किसी एक के साथ डिवाइड कर दो, P1 बाय P टोटल, ये क्या है P टोटल है, ये क्या है P टोटल है, ठीक है। आप क्या करोगे P टोटल से डिवाइड कर दोगे, किसी एक को कोई एक उठा लो P टोटल से डिवाइड कर दो। जब आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, ये आ जाएगा बेटा। ये करके देखना पड़ेगा, दो वरी तीन वरी लिख के देखोगे तो याद होगा, काफी ईजी है, एक बार गो थ्रू कर लोगे आपको ये आ जाएगा, 100% बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। P1 को, ये P1 है पूरा, इसको डिवाइड किया P टोटल से, इसके साथ जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है, आपके पास ये आंसर आएगा। अभी इससे ये कट जाएगा, क्लियर है, कट गया, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये क्या है, एन मोल्स के लिए है ना, अब देखो क्या है, N1 N2 N3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो इसको आप डायरेक्ट सीधा एन भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप एन भी लिख सकते हो। ये देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 N3 का मतलब क्या हुआ, N1 भी मोल है, N2 मोल है, N3 मोल है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको N लिख सकते हो। अब देखो पार्शियल वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या हुआ, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, इसको आपने मान लेना X1, वेयर N क्या है, N1 N2 N3, और X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट गैस। अब ये चीज देख लो, जिस गैस का निकालना है, N1 का निकालना है, उसको नीचे लिखो, ठीक है बेटा। अब ये वही बात होगी, जिसका निकालना है उसे ऊपर और फिर नीचे टोटल नंबर ऑफ गैसेस। अब मान लो कहीं N2 को निकालना तो N2 ऊपर नीचे टोटल नंबर गैस, N3 निकालना N3 ऊपर टोटल नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है, क्लियर है आपको। ये यही सेम फर्स्ट के लिए निकाल सकते हो, ये आ गया फर्स्ट के लिए निकाल लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, P1 इक्वल टू X1 के बराबर आ जाएगा। यही सेकंड के लिए निकाल लोगे, P2 इक्वल टू X2 के बराबर आ जाएगा। थर्ड के लिए P2 इक्वल टू X3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 10-10 जनरल इक्वेशन, PIXI, ये आई लिखा है बेटा, वन नहीं है, आई मतलब कि अब मैं 1-2 के लिए नहीं निकाल के मैंने सीधा डायरेक्ट एक टर्म लिख लिया PIXI, ठीक है। बियर PIXI क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और PIXI पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है किसका, आईएथ गैस का। अब देखो बेटा, अब यहाँ थोड़े तीन जरूरी थोड़े तीन मोल हो, अब हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स हो, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स है तो हम वहाँ पे एनएथ या तो PNXN लिख दो, N इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि फर्दर हम पीछे ऊपर N लिया हुआ, इसलिए हमने I लिख दिया, आई एथ मतलब जब काफी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हो, ठीक है बेटा। ये आपका यहाँ खत्म होता है, हमने नेक्स्ट करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर टुडे।